सो स्क्रीनिंग ऑफ बैक्टीरिया, आप लोगों ने पढ़ा बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया के बारे में, यानी बैक्टीरिया के कौन कौन से पार्ट है, यानी जिस तरह हमने पढ़ा कैप्सूल, इसके साथ साथ जो है ना हमने पढ़ा सेल वॉल, सेल वॉल के साथ सेल मेम्ब्रेन और उस सेल वॉल के दरमियान पेरिप्लाज्म, इसके साथ साथ अंदर साइटोप्लाज्म, इसके साथ मिसोसोम, न्यूक्लियाइड, ये सब हमने पढ़ा डिटेल से। अब इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे बैक्टीरिया की जो है ना स्टेनिंग के बारे में, यानी स्टेनिंग के प्रोसेस से हम बैक्टीरिया को किस तरह जो है ना आइडेंटिफाई करते हैं कि ये कौन से क्लास की बैक्टीरिया है, ये किस टाइप की बैक्टीरिया है। ठीक है, तो बैक्टीरिया जो होते हैं वो ऑलमोस्ट हमारे पास कलरलेस एंड ट्रांसपेरेंट, यानी इसकी कोई कलर नहीं होती, और इस ये जो है ना बैक्टीरिया ट्रांसपेरेंट होते हैं, यानी बैक्टीरिया की ना कोई कलर होती है और ये हमारे पास जो है ना ट्रांसपेरेंट या शफाफ होती है। तो इसमें स्टेनिंग में हम बेसिकली इस तरह करते हैं कि बैक्टीरिया में हम जो है ना मुख्तलिफ सॉल्यूशंस प्रिपेयर कर लेते हैं, और इसमें जो है ना हम बैक्टीरिया को ट्रैप कर लेते हैं, या इसमें हम बैक्टीरिया को डाल देते हैं, और एज ए रिज़ल्ट ऑफ दैट डिफरेंट बैक्टीरिया डिफरेंट कलर को जो है ना वो रिटेन कर लेते हैं। तो इसके ज़रिए से हमें पता चलता है, ये पहले से आइडेंटिफाइड है कि कौन से बैक्टीरिया कौन से रंग को जो है ना वो रिटेन कर लेता है, तो ये पहले से साइंटिस्ट ने आइडेंटिफाइड कर लिया है। अब हम अगर फॉर एग्जांपल किसी सॉल्यूशन को जो है ना हम इसमें किसी पेशेंट से जो है ना हमने किसी फ्लूइड्स को ले लिया, और अब हम इसके आइडेंटिफिकेशन कर लेते कि इसमें हम हमारे पास जो है ना किस क्लास के बैक्टीरिया पाए जाते हैं, तो इसके लिए हम क्या कर लेते हैं, तो इसके हाँ इसके लिए हम स्टेनिंग कर लेते हैं, और स्टेनिंग के ज़रिए से जो है ना हम ये आइडेंटिफाइड कर लेते हैं कि इसमें कौन से जो है ना बैक्टीरिया पाए जाते हैं। ठीक है, स्टेनिंग टेक्निक इज़ ऑफन अप्लाइड टू द सेल टू कलर देम, यानी जिस तरह मैंने आप लोगों को बताया कि स्टेनिंग में हम क्या कर लेते हैं, बैक्टीरिया को मुख्तलिफ कलर सोल्यूशन में बैक्टीरिया को डालते हैं, या बैक्टीरिया की जो हमारे पास सरफेस होती है, बैक्टीरिया जिस सरफेस में हम बैक्टीरिया को डाल देते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई कोई स्ट्रिप वगैरह हो, तो इसमें हम जो है ना मुख्तलिफ डाइज मुख्तलिफ कलर्स को जो है ना उस पर डालते हैं, और इसकी वजह से हमें ये पता चल जाता है कि ये कौन से कलर को रिटेन कर लेते हैं, ठीक है, और कौन से कलर को जो है ना ये रिटेन नहीं कर सकता। तो इसके ज़रिए से हमें पता चलता है कि ये किस क्लास के बैक्टीरिया हमारे पास है। ठीक है, देयर शेप एंड साइज़ कैन बी इजली डिटरमाइंड अंडर द माइक्रोस्कोप। ठीक है, बैक्टीरिया क्या है, बैक्टीरिया हमारे पास कलरलेस है, और जब ये कलरलेस है तो ये हमें पता नहीं चलता कि इसकी साइज़ क्या है, इसकी लेंथ क्या है, इसकी शेप क्या है। ठीक है, तो जब हम इसके ऊपर कोई डाई कोई कलर जो है ना हम इसके ऊपर डाल देते हैं, तो एक तो यह है कि ये विजुअलाइज बन जाते हैं, और दूसरी यह है कि माइक्रोस्कोप के ज़रिए हम जो है ना इसको ईज़िली आइडेंटिफाई कर लेते हैं, इसको ईज़िली सीन कर सकते हैं, हम इसको ईज़िली देख सकते हैं, और इसके ज़रिए से हम बैक्टीरिया के शेप्स और इसके जो है ना साइज़ के बारे में हम जो है ना वो इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। तो स्टेनिंग क्या है, स्टेनिंग वो प्रोसेस है जिसमें हम किसी बैक्टीरिया के साथ मिक्स करते हैं मुख्तलिफ किस्म के कलर सोलूशन, और एज ए रिज़ल्ट ऑफ दैट वी मे आइडेंटिफाई द शेप एंड साइज ऑफ बैक्टीरिया, वो अप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, स्टेनिंग के लिए हम जो है ना मेन प्रोसेस पहले जो हम अप्लाई कर लेते हैं वो है स्मियर प्रिपरेशन। स्टेनिंग कौन कौन से प्रोसेस के ज़रिए, यानी कौन कौन से स्टेप्स है ऑन द बेसिस ऑफ विच वी मे डू स्टेनिंग्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्मियर प्रिपरेशन कर लेते हैं। स्मियर प्रिपरेशन क्या है, यानी ये स्टेप्स नंबर वन है, स्टेप्स नंबर वन है। ठीक है, यानी स्टेप नंबर वन है स्टेनिंग की। ठीक है, तो स्टेप नंबर वन में हम स्मियर प्रिपरेशन कर लेते हैं। आप लोगों ने आइडेंटिफाइड किया होगा जब हम एमपी टेस्ट कर लेते हैं या टाइफिडाट टेस्ट कर लेते हैं, तो लेब्स वाले हमसे ब्लड लेते हैं, और इस ब्लड्स को जो है ना किसी स्ट्रिप पे, किसी जो है ना ग्लास की तो स्मॉल स्ट्रिप होते हैं ना, उस पर जो है ना उस ब्लड को डाल देते हैं। ठीक है, फिर इसके ऊपर जो है ना थोड़े से सॉल्वेंट डाल देते हैं, और फिर इसको जो है ना स्पिरिट लैम्प के ऊपर जो है ना वो रख देते हैं। ठीक है, ताकि जो बैक्टीरिया हो वो इसके साथ, वो इस स्क्रीन के साथ, इस सॉल्वेंट के साथ जो है ना अटैच हो जाए। तो इसको हम क्या कर लेते हैं, इसको हम कहते हैं स्मियर प्रिपरेशन, प्रिपरेशन एंड फिक्सेशन ऑफ बैक्टीरिया फॉर स्टेनिंग। यानी जिस तरह मैंने आप लोगों को बताया कि हम किसी भी स्ट्रिप के ऊपर बैक्टीरिया को फिक्स कर लेते हैं, ठीक है, और फिर हम इसको जो है ना कलरिंग कर लेते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है, टू किल द माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड फिक्स देम टू द स्लाइड्स टू प्रिवेंट देम फ्राम बींग वॉश्ड आउट ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ स्टेनिंग।
इसके ज़रिए से हम जो है ना एक्सेस अमाउंट ऑफ बैक्टीरिया, अगर हमारे पास ज़्यादा बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो हमें कंफ्यूज कर लेता है स्टडी के दौरान, इसको हम जो है ना थोड़े से कम कर लेते हैं। और दूसरी ये है कि इसमें हम जो है ना बैक्टीरिया को किसी स्लाइड्स के ऊपर, किसी स्ट्रिप के ऊपर, किसी स्लाइड के ऊपर हम बैक्टीरिया को जो है ना वो फिक्स कर लेते हैं। और फिर जब हम स्टेनिंग के प्रोसेस जो है ना, इसमें हम मुख्तलिफ़ किस्म के सॉल्वेंट, मुख्तलिफ़ किस्म के सॉल्यूशन इसके साथ जब हम अटैच कर लेते हैं, इसके साथ मिक्स कर लेते हैं, तो बैक्टीरिया हमारे पास जो है ना इसकी वॉशिंग नहीं होती, यानी वो इस ट्रिप से या इस स्लाइड से बैक्टीरिया जो है ना वो जो है ना ख़त्म नहीं होती। ठीक है, तो ये इस तरह स्मियर की जो मेन रीज़न है या स्मियर की मेन ऑब्जेक्टिव वो क्या है कि इसमें हम किसी भी बैक्टीरिया की अमाउंट्स को जो है ना हम कम कर लेते हैं, और इसके साथ साथ बैक्टीरिया को हम स्लाइड्स के ऊपर फिक्स कर लेते हैं। ठीक है, ताकि जो प्रोसेस हम जो है ना फर्दर जो है ना हम फॉरवर्ड कर लेते हैं, इसमें जो है ना बैक्टीरिया की हमारे पास जो है ना वॉशिंग ना हो जाए। ठीक है, स्लाइड से। अब ये बैक्टीरिया की जो है ना स्मियर प्रिपरेशन के ये स्टेप्स है, जिस तरह मैंने आप लोगों को बताया कि है, आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा किसी लेबॉरेटरीज़ में, किसी लेब्स में, कि वो सबसे पहले आप लोगों से ब्लड लेते हैं, फिर ब्लड जो है ना किसी स्लाइड्स के ऊपर, स्मॉल स्लाइड्स या ग्लास की स्मॉल पार्ट्स होती है, इसके ऊपर डाल देते हैं, फिर इसके ऊपर थोड़े से सॉल्वेंट, डिफरेंट सॉल्वेंट पाए जाते हैं ना, वो इसके ऊपर डाल देते हैं, फिर इसको जो है ना स्पिरिट लैम्प के ऊपर डाल देते हैं। ठीक है, और इस तरह इसके ज़रिए जो है ना वो मुख्तलिफ़ किस्म के, ये हमारे पास किया है, ये हमारे पास फॉर एग्जांपल ब्लड की कोई भी जो है ना वो क्वांटिटी है, या कोई भी जो है ना ब्लड की सैंपल है, फिर इसके ऊपर जो है ना वो मुख्तलिफ़ किस्म के जो है ना वो सॉल्वेंट डाल देते हैं, और फिर इसको स्पिरिट लैम्प के ऊपर जो है ना वो डाल देते हैं। ये हमारे पास जिस तरह स्पिरिट लैम्प है, ये इसके ऊपर जो है ना रख देते हैं, और इस तरह इसकी फिक्सेशन कर लेते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास स्मियर फ्री प्रिपरेशन बस जो है ना वो मेन ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे सिंपल स्टेनिंग्स। जिस तरह आप लोगों ने पढ़ा कि स्टेनिंग्स दो तरह के होते हैं, एक है सिंपल स्टेनिंग और दूसरा है डिफरेंशियल स्टेनिंग। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे सिंपल स्टेनिंग। इज़ एन ऑक्सिलरी टेक्निक यूज इन माइक्रोस्कोपी टू एनहांस कंट्रास्ट इन द माइक्रोस्कोपिक इमेज। ठीक है, स्टेन आर यूज टू हाईलाइट सेल स्ट्रक्चर। डिफरेंट टाइप ऑफ स्टेन मेथड्स आर यूज टू स्टडी सेल स्ट्रक्चर एंड डिफ्रेंशिएट वन बैक्टेरियम फ्राम अनदर। जिस तरह मैंने आप लोगों को बताया कि ये एक ऑक्सिलरी स्टेप्स है, यानी ये एक ऑक्सिलरी टेक्निक्स है, इसको हम किसी भी लेबॉरेटरी में जो है ना हम इसको परफॉर्म कर लेते हैं इन माइक्रोस्कोपी। माइक्रोस्कोपी हमारे पास क्या है, माइक्रोस्कोपी हमारे पास वो प्रोसेस है जिसके ज़रिए हम जो है ना वो स्मॉल ऑब्जेक्ट को जो है ना इसकी हम जो है ना स्टडी कर लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ माइक्रोस्कोप। हम किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी अगर हम करते हैं माइक्रोस्कोप के ज़रिए, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम माइक्रोस्कोपी कहते हैं। ठीक है, तो इसमें हम क्या कर लेते हैं, इसमें हम मुख्तलिफ़ किस्म की कंट्रास्ट, मुख्तलिफ़ किस्म के कलर सॉल्वेंट, मुख्तलिफ़ किस्म के डाइज, कलर डाइज, इसको हम जो है ना वो किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स के साथ मिक्स कर लेते हैं, और फिर इसको हम विजुअलाइज कर लेते हैं, या इसकी जो है ना वो विजुअल कैपेसिटी को हम इन्हांस कर लेते हैं, और माइक्रोस्कोपिक इमेज इसकी जो है ना वो इम्प्रूव हो जाती है। ठीक है, माइक्रोस्कोपिक इमेज इसकी इम्प्रूव होती है, और इसको हम इजीली जो है ना वो आइडेंटिफाइड कर सकते हैं। ठीक है, स्टैंड आर यूज टू हाईलाइट सेल स्ट्रक्चर। ठीक है, जिस तरह मैंने आप लोगों को बताया कि इसकी मेन वजह क्या है, क्यों हम जो है ना वो स्टेनिंग के प्रोसेस को पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टेनिंग की मेन जो है ना वो प्रोसेस, मेन रीज़न या मेन ऑब्जेक्टिव यह है कि हम इसके ज़रिए स्मॉल माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स को विजुअलाइज कर लेते हैं, इसकी जो है ना इमेज को या इसकी विजुअल कैपेसिटी को हम इन्हेंस कर लेते हैं, और इसके ज़रिए हम मुख्तलिफ़ किस्म के बैक्टीरियम के स्ट्रक्चर, मुख्तलिफ़ किस्म के बैक्टीरिया सेल के स्ट्रक्चर, और इसके मुख्तलिफ़ किस्म के जो है ना वो बिहेवियर के बारे में हम ईज़िली जो है ना वो स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, सिंपल स्टेनिंग इज़ द यूज़ ऑफ सिंगल बेसिक डाइज टू कलर द बैक्टीरियल सेल। इसमें हम क्या कर लेते हैं, इसमें हम सिंपल बेसिक डाइज, कोई भी डाइज, डाइज मीन एनी कलर सॉल्वेंट, कोई भी कलर सॉल्वेंट जो है ना इसको हम डाइज कह सकते हैं। यानी कोई भी कलर सॉल्वेंट, जिस तरह
ये मुख्तलिफ किस्म के कलर्स इस्तेमाल होते हैं मुख्तलिफ किस्म के ड्रेसेस को कलर करने के लिए, ठीक है। तो ये सब हमारे पास क्या है, ये हमारे पास सब डाइज है। तो सिंपल स्टेनिंग में हम क्या कर लेते हैं, हम सिंपल जो है ना वो सिंपल एक यानी अकेले एक डाइज को लेते हैं और बैक्टीरिया के ऊपर इसको मिक्स करके हम बैक्टीरिया की शेप्स को विजुअलाइज करते हैं, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल मिथाइलिन ब्लू क्रिस्टल वायलेट और सेफ्रानिन, ये सब एग्ज़ाम्पल है। आप लोगों से इस तरह पूछ सकता है कि विच वन ऑफ द एग्ज़ाम्पल ऑफ सिंपल स्टेनिंग, ठीक है। तो सिंपल स्टेनिंग की एग्ज़ाम्पल क्या है, मिथाइलिन ब्लू क्रिस्टल वायलेट और सेफ्रानिन, ये सब इसकी एग्ज़ाम्पल है और ये लेब्स में हम इस्तेमाल कर लेते हैं एज अ सिंगल डाइज सिंपल स्टेनिंग, ठीक है। ऑल बैक्टीरिया टेक द कलर्स ऑफ द डाइज, जिस तरह आप लोगों ने पहले पढ़ा कि बैक्टीरिया हमारे पास क्या है, वो हमारे पास कलरलेस है, यानी बैक्टीरिया की कोई जो है ना वो कलर नहीं होती। अब जब हम इसके ऊपर कोई कलर या कोई डाइज या कोई कलर सॉल्वेंट डाल देते हैं तो वो इसकी जो है ना वो कलर को रिटेन कर लेते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्टिव इसकी क्या है सिंपल स्टेनिंग की, टू शो द मॉर्फोलॉजिकल शेप्स, ठीक है। मॉर्फोलॉजिकल शेप्स क्या है, यानी बैक्टीरिया कौन से शेप्स के है, कोकाई है बेसिलाई है स्पाइरिला है, कौन से शेप्स की बैक्टीरिया है, एंड अरेंजमेंट ऑफ बैक्टीरियल सेल, ठीक है। और इन बैक्टीरिया की अरेंजमेंट किस तरह है, यानी वो टेट्रेट शेप के है, ठीक है, वो सिंपल शेप के, यानी किस तरह बैक्टीरिया की, एक तो मॉर्फोलॉजी है, ठीक है, कि बैक्टीरिया की शेप किस तरह है, हमारे रॉड शेप बैक्टीरिया है जो है ना वो राउंड शेप बैक्टीरिया है, ठीक है। और दूसरी अरेंजमेंट है, यानी फॉर एग्जांपल इफ़ द बैक्टीरिया इज़ राउंड शेप सो व्हाट्स द अरेंजमेंट व्हाट्स द सीक्वेंस बाय विच द बैक्टीरिया कम्स टुगेदर एंड मेक एनी क्लस्टर, ठीक है। तो ये क्या, ये हमारे पास अरेंजमेंट है। अब सिंपल स्टेनिंग्स टाइप ऑफ स्टेनिंग, फॉर एग्जांपल हम जो है ना वो सिंपल स्टेनिंग कर लेते हैं जिसमें हम लेते हैं मिथाइलिन ब्लू, ठीक है। हमारे पास शेप ऑफ सेल्स क्या है, हमारे पास बैक्टीरिया की शेप्स क्या है, हमारे पास फॉर एग्जांपल बेसिलाई बैक्टीरिया है। अरेंजमेंट ऑफ सेल क्या है, हमारे पास स्ट्रेन, ठीक है। और कलर हमारे पास फॉर एग्ज़ाम्पल मिथाइलिन ब्लू की या मिथाइलिन ब्लू डाई की कलर हमारे पास किस तरह पाए जाते हैं, हमारे पास इस तरह ब्लू टाइप के जो है ना इसकी कलर होती है। इसकी मतलब यह है कि अगर हम किसी भी बैक्टीरिया की सैंपल के साथ अगर हम मिथाइलिन ब्लू मिक्स करें और इसमें हमारे पास जो है ना वो बेसिलाई बैक्टीरिया पाए जाते हैं, तो वो बेसिलाई बैक्टीरिया किस तरह हमें नज़र आएंगे, वो इस तरह हमें ब्लू नज़र आएंगे। तो इस तरह हम ये आइडेंटिफाइड कर सकते हैं, हम ये रिज़ल्ट हासिल कर सकते हैं कि इस जो है ना सैंपल में हमारे पास कौन से बैक्टीरिया पाए जाते हैं, हमारे पास मिथाइलिन ब्लू बैक्टीरिया जो है ना वो पाए जाते हैं। और ये नेम ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म का नेम क्या है, ठीक है, वो हमारे पास, ये हमारे पास बेसिलस बैक्टीरिया है, ठीक है। इसी तरह ये हमारे पास दूसरी एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल हम सिंपल स्टेनिंग कर लेते हैं जिसमें हम किसी डाई को लेते हैं जो हमारे पास है क्रिस्टल वायलेट, जो हमारे पास सिंपल डाई है। हम बैक्टीरिया को लेते हैं फॉर एग्जांपल कोकाई बैक्टीरिया को, ठीक है, जिसकी शेप्स क्या है या जिसकी अरेंजमेंट क्या है, हमारे पास वो क्लस्टर टाइप है, ठीक है। अब अगर हम इसके साथ या फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई भी सैंपल हो, ठीक है, कोई भी बैक्टीरिया फॉर एग्जांपल कोई भी बैक्टीरिया सैंपल हमारे पास हो जिसमें हमारे पास पाए जाते हो बेसिलाई बैक्टीरिया ना, सॉरी फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई भी बैक्टीरिया हो या कोई भी बैक्टीरिया सैंपल हो जिसमें हमारे पास कोकाई जो है ना वो कोकाई बैक्टीरिया पाए जाते हैं और हम इसके साथ क्रिस्टल वायलेट डाई जो है ना हम इसके साथ मिक्स करें, तो वो बैक्टीरिया हमें किस तरह, वो बैक्टीरिया हमें पर्पल नज़र आएगी, जिससे हम ये रिज़ल्ट हासिल कर सकते हैं कि इस सैंपल में हमारे पास कोकाई बैक्टीरिया पाए जाते हैं। और नेम ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है, ये हमारे पास स्टेपिलोकोकाई बैक्टीरिया है। अब हम आते हैं डिफरेंशियल स्टेनिंग, जो ये थोड़े से जो है ना वो मुश्किल टाइप है, क्योंकि इसमें हम पहले किसी बैक्टीरिया के साथ हम किसी डाइज किसी कलर को जो है ना वो हम मिक्स कर लेते हैं, फिर थोड़ी देर के बाद हम दोबारा किसी और जो है ना डाइज को या किसी और जो है ना सॉल्वेंट को हम इसके ऊपर डाल देते हैं और हम इससे जो है ना ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पहले बैक्टीरिया वो पहले वाली डाइज की जो है ना वो कलर को रिटेन कर सकती है या ये दूसरे सॉल्वेंट जो हमने बाद में मिक्स कर दिया है इसकी जो है ना वो
कलर को रिटेन कर सकती है। अब इसे हम जो है ना वो मुख्तलिफ़ किस्म के अंदाजे लगा सकते हैं। डिफरेंशियल स्टेन क्या है? वी यूज़ टू आर मोर स्टेन्स एंड अलाउ द सेल टू बी कैटेगराइज इंटू वेरियस ग्रुप आर टाइप्स। इसमें हम दो या दो से ज़्यादा स्टेन इस्तेमाल कर सकते हैं। बोथ टेक्निक्स अलाउ द ऑब्जर्वेशन ऑफ सेल मॉर्फोलॉजी आर शेप्ड, यानी सिंपल स्टेनिंग और इसके साथ साथ डिफरेंशियल स्टेनिंग, दोनों का मतलब क्या है कि हम इसके ज़रिए से सेल की मॉर्फोलॉजी, सेल की स्ट्रक्चर या सेल की शेप के बारे में जो है ना वो हम इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। बट डिफरेंशियल स्टेनिंग यूजुअली प्रोवाइड मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द सेल वॉल थिकनेस, यानी इसके ज़रिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हासिल हो सकते हैं सेल वॉल की थिकनेस यानी सेल वॉल की विड्थ के बारे में, सेल वॉल के साइज़ के बारे में। ठीक है, द मोस्ट कॉमन डिफरेंशियल स्टेनिंग यूज इन माइक्रोबियोलॉजी इज़ द ग्राम स्टेनिंग, यानी जो सबसे ज़्यादा हम कॉमन इस्तेमाल कर सकते हैं ग्राम स्टेनिंग। ग्राम स्टेनिंग है जो हमारे पास एग्जांपल है किस चीज़ की, डिफरेंशियल स्टेनिंग की। और इसकी हमारे पास यानी डिफरेंशियल स्टेनिंग में हम किस कौन कौन सी जो है ना वो डाइस को इस्तेमाल कर सकते हैं? हम क्रिस्टल वायलेट, सेफ्रनिन एंड मिथाइलिन ब्लू, हम ये जो है ना ये डाइस हम इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं स्टेप वाइज। अब ये हमारे पास है ग्राम स्टेनिंग, जिस तरह आप लोगों ने सुना होगा या आप लोगों ने पढ़ा होगा या आप लोग पढ़ेंगे इंशाल्लाह इन फ्यूचर में, आप मुख्तलिफ जगह पे देखेंगे कि ये एंटीबायोटिक जो है ना ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के लिए इफेक्टिव है और ये एंटीबायोटिक जो है ना ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के लिए इफेक्टिव है। तो इसका मकसद क्या है? आप जो है ना इस लेक्चर में जो है ना आप इस मकसद से और इस कंसेप्ट से जो है ना आप मुकम्मल इंफॉर्मेशन इंशाल्लाह इसके बारे में हासिल करेंगे। ग्राम स्टेन, इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिफरेंशियल स्टेन यूज इन बैक्टेरियालॉजी बिकॉज इट क्लासिफाइड बैक्टीरिया इन टू टू मेजर ग्रुप्स, यानी ग्राम स्टेनिंग के ज़रिए हम बैक्टीरिया को या तो ग्राम पॉजिटिव में या तो ग्राम नेगेटिव ग्रुप में जो है ना वो बैक्टीरिया को दो ग्रुप्स में हम डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, ग्राम पॉजिटिव फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक ग्रुप है ग्राम पॉजिटिव, इसके ज़रिए हम बैक्टीरिया को कितने बैक्टीरिया को हम दो ग्रुपों में डिवाइड कर लेते हैं। एक हमारे पास एक ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया किस तरह होते हैं? ये हमारे पास एपियर्स वायलेट्स आफ्टर ग्राम स्टेन्स, ये हमारे पास वायलेट्स कलर के होते हैं। ठीक है, अगर हम इसकी स्टेनिंग करें, इसकी जो है ना हम स्टेप वाइज इसकी स्टेनिंग के जितने प्रोसेस है जितने स्टेप्स है अगर हम इसको रिपीट कर ले तो एज ए रिजल्ट ऑफ दैट जो बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव है वो हमारे पास वायलेट कलर के जो है ना वो नज़र आएंगे। और जो हमारे पास दूसरा क्लास है यानी ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया वो हमारे पास पिंक कलर के नज़र आएंगे। तो ये आप लोगों से एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया किस जो है ना वो किस कलर के होते हैं और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो है ना वो किस कलर के होते हैं। तो फॉर एग्जांपल हमने किसी बैक्टीरिया की जो है ना वो सैंपल को लिया। ठीक है, अब हमने इस सैंपल के साथ मिक्स कर दी, फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमने लिया किस चीज़ को, हमने लिया किसी बैक्टीरिया की सैंपल को। अब इस सैंपल के साथ हमने मिक्स कर दिया क्रिस्टल वायलेट जो है ना वो डाइज वो कलर हमने मिक्स कर दिया, फिर हमने इस बैक्टीरिया को जो है ना वो वॉश कर दिया या इस पे डाल दिया हमने आयोडीन। ठीक है, आयोडीन के बाद थोड़ी देर के बाद हमने इसके ऊपर डाल दिया अल्कोहल। ठीक है, ये हमने स्टेप्स वाइज जो है ना वो एक प्रोसेस कर दिया, हमने एक बैक्टीरिया को लिया। ठीक है, या बैक्टीरिया की एक सैंपल को लिया। ठीक है, हमने जो है ना वो स्मियर प्रिपरेशन कर दी, स्मियर प्रिपरेशन के बाद जो है ना हमने इसके ऊपर डाल दिया क्रिस्टल वायलेट, क्रिस्टल वायलेट के ऊपर हमने डाल दिया आयोडीन और आयोडीन के ऊपर हमने डाल दिया अल्कोहल। अब हम देखते हैं, ठीक है, अब हम देखते हैं कि ये बैक्टीरिया हमारे पास कौन से है। ठीक है, इसके ऊपर अल्कोहल के बाद हमने जो है ना वो इसके ऊपर डाल दिया कौन सी चीज़, इसके ऊपर हमने सेफ्रनिन जो हमारे पास दूसरा डाइज है। तो इस डिफरेंशियल में हमने क्या कर दिया, इसमें हमने जो है ना पहले क्रिस्टल वायलेट डाइस को यूज़ कर दिया। ठीक है, और दूसरे हमने यहाँ पे क्या इस्तेमाल कर दिया, यहाँ हमने इस्तेमाल कर दिया सेफ्रनिन जो हमारे पास एक दूसरी डाइस है। ठीक है, ये एक दूसरी कलर्स है। तो डिफरेंशियल स्टेनिंग में हम क्या कर लेते, हम दो तरह के जो है ना वो डाइज या कलर सब्सटेंसेस या कलर सॉल्वेंट को इस्तेमाल कर लेते। अब हम इसकी रिजल्ट को देखते हैं।
अब ये स्टेप्स जो है ना, वहाँ पे जो है ना, मैंने आप लोगों को जनरल बता दिया कि डिफरेंशियल स्टेनिंग में हम कौन कौन से स्टेप्स लेते हैं। हम जो है ना पहले किसी बैक्टीरिया सैंपल के साथ क्रिस्टल वायलेट को मिक्स कर लेते हैं, इसके ऊपर जो है ना वो आयोडीन लेते हैं। तो ये इनका टाइम है कि हम अगर किसी सैंपल के साथ जो है ना वो क्रिस्टल वायलेट डाइस मिक्स कर ले तो उसको 30 से 60 मिनट तक हम इसको रहने देते हैं, ठीक है। यानी इसके ऊपर 30 से 60 मिनट से पहले हम इसके ऊपर कोई दूसरी जो है ना वो सॉल्वेंट नहीं डालते, ठीक है। तो 60 या 30 मिनट्स के बाद हम इसके ऊपर डाल देते हैं आयोडीन, ठीक है। और आयोडीन को हम रहने देते हैं 30 सेकेंड्स के लिए, ठीक है। इसके ऊपर हम जो है ना वो डाल देते हैं 30 मिनट्स के बाद अल्कोहल, और अल्कोहल को 5 सेकेंड के लिए लेफ्ट जो है ना हम वी लेफ्ट डेम, ठीक है। फिर जो है ना 5 सेकेंड के बाद हम इसके ऊपर डाल देते हैं दूसरी डाइस, ठीक है, जो हमारे पास सेफ्रनिन है, और इसको हम लीव कर देते हैं, इसको हम छोड़ देते हैं 30 to 60 सेकेंड के लिए, ठीक है। अब हम देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन से बैक्टीरिया है। अगर हमारे पास जो है ना इस तरह वायलेट नज़र जो है ना हमारे पास बैक्टीरिया की नज़र आएगी, तो ये हमारे पास कौन सी कलर है, हमारे पास है ना ग्राम पॉजिटिव, ठीक है। अगर ये बैक्टीरिया इन स्टेप के ज़रिए लास्ट में हमें नज़र आएगी कौन सी शेप की, पिंक कलर की, तो ये हमारे पास कौन सी शेप की बैक्टीरिया होगी, ये हमारे पास ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होगी। आप लोगों ने पढ़ा प्रीवियस स्लाइड्स में कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हमारे पास पिंक कलर के, और जो है ना ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हमारे पास वायलेट कलर के। तो इसके इन स्टेप के ज़रिए जो है ना, अब ये स्टेप्स इंपॉर्टेंट है कि क्रिस्टल वायलेट्स डाई हम कितनी टाइम के लिए जो है ना वो हम वी लेफ्ट देम, ठीक है, हम लेफ्ट कर लेते हैं, हम छोड़ देते हैं। आयोडीन सॉल्वेंट को हम कितने जो है ना वो टाइम के लिए, कितने सेकंड्स के लिए छोड़ देते हैं। अब इसको जो है ना वो रिमेंबर करें। तो जब हम ये 4 स्टेप रिपीट करें, तो इन 4 स्टेप के बाद अगर कोई बैक्टीरियल सैंपल हमारे पास वायलेट्स कलर का हो, ठीक है, तो हम इससे अंदाज़ा लगाएंगे कि ये हमारे पास ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, ठीक है। और अगर हमारे पास लास्ट स्टेज में वो कलर पिंक नज़र आए, तो हम इससे अंदाज़ा लगाएंगे कि ये हमारे पास कौन सी है, हमारे पास ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। तो अब हम हमारे पास ये ग्राम पॉजिटिव क्यों आते हैं और ये ग्राम नेगेटिव क्यों आते हैं। एक हमारे पास जो है ना वो पर्पल क्यों नज़र आते हैं, और दूसरा हमारे पास जो है ना वो पिंक क्यों नज़र आते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के ऊपर जो सेल वाल होता है, जो सेल वाल होते हैं, सेल वाल किस चीज़ का बना होता है बैक्टीरिया में, वो पेप्टिडोग्लाइकान का लेयर पाया जाता है, ठीक है। तो ग्राम पॉजिटिव में ये जो पेप्टिडोग्लाइकान की लेयर होती है, ये हमारे पास जो है ना वो 3 कलर का होता है। 3 मीन्स के वो नरम होता है, वो हल्का सा होता है, इसकी विड्थ जो है ना वो हमारे पास स्लाइटली थोड़ा सा होता है, ठीक है। द स्टेन गेट ट्रैप्ड इन दिस लेयर्स एंड द बैक्टीरिया टर्न पर्पल। तो जब हम इनिशियल्स जो हमारे पास क्रिस्टल वायलेट डाइज है, जो हम पहले स्टेप में जो है ना हम मिक्स कर लेते हैं, जब हम इन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के साथ जब हम उसको मिक्स कर लेते हैं, तो चूंकि इनकी पेप्टिडोग्लाइकान लेयर 3 है, नरम है, स्मॉल है, ठीक है, तो ये डायरेक्टली ये फर्स्ट डाई जो हमने मिक्स किया है, इसकी कलर जो है ना वो ट्रैप कर लेता है, ठीक है। और इसके ज़रिए से वो जो है ना वो हमारे पास वायलेट नज़र आती है। रिटेन द कलर ऑफ प्राइमरी स्टेन एंड आफ्टर डीकोलराइजिंग विद अल्कोहल, ठीक है। जब हम इसको अल्कोहल से वाश कर लेते हैं, जो हम 3rd स्टेप में जो है ना हम इस्तेमाल कर सकते हैं, तो ये वाश नहीं होता, क्योंकि इसकी लेयर 3 है, और ये फर्स्ट डाई जो हमने वो उसमें बैक्टीरिया सैंपल में मिक्स कर लिया था, वो डायरेक्टली जो है ना इस पेप्टिडोग्लाइकान लेयर में ट्रैप्ड हो जाता है, वहाँ पे जो है ना वो चिमट जाता है, और इसके ज़रिए से जो है ना बैक्टीरिया की जो है ना वो शेप्स हमारे पास जो है ना वो पर्पल नज़र आते हैं, ठीक है। अब जो है ना ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो है ना वो क्यों पिंक नज़र आती है, इसकी वजह क्या है। इसकी वजह यह है कि इसकी जो है ना वो 3 पेप्टिडोग्लाइकान लेयर है। दे डज नॉट रिटेन क्रिस्टल वायलेट डाइज, ठीक है। चूँकि ग्राम पॉजिटिव में हमारे पास जो लेयर है वो थिक है, वो जो है ना वो हमारे पास इसकी साइज़ ज़्यादा है, और ग्राम नेगेटिव में इसकी साइज़ हमारे पास 3 है, यानी वो कम है। जब हम इसके साथ जो है ना वो किसी दूसरे, फॉर एग्जांपल पहले स्टेप में हमने वहाँ पे क्रिस्टल वायलेट्स को जो है ना डाइस को मिक्स कर दिया, अब दूसरी लेयर में दूसरी स्टेप्स में हम क्या कर लेते हैं, इसके साथ जो है ना वो हम दोबारा से फ्रनिन डाल देते हैं। तो चूंकि इसकी लेयर
तीन है इसकी लेयर कम है, दे डज नॉट रिटेन क्रिस्टल वायलेट्स। तो ये चूंकि इनकी कलर तीन है, उसकी जो है ना वो जलवाल स्माल है, तो वो इन फर्स्ट जो है ना वो डाइस की जो है ना वो कलर को रिटेन नहीं करता, ठीक है, क्योंकि इनकी साइज़ कम है। जब हम इसके साथ मिक्स करें किसी डाइस को, फॉर एग्जांपल क्रिस्टल वायलेट को हमने जो है ना इसके साथ मिक्स कर दिया, तो ये इनकी कलर को लेता है, लेकिन जब हम अल्कोहल से उसको वॉश करें तो अल्कोहल इसको जो है ना वो डिकोलराइज कर लेते हैं, और जब हम लास्ट में जब हम सेफ्रनिन मिक्स कर लेते हैं तो ये इन लास्ट वाली डाइस की कलर को जो है ना वो ट्रैप कर लेता है, ठीक है। चूँकि पहले क्रिस्टल वायलेट वाली जो कलर थी वो उसको वॉश कर दिया किसने, अल्कोहल ने, ठीक है, और जब हमने लास्ट में सेफ्रनिन को डाल दिया तो सेफ्रनिन ने वो पिंक कलर जो है ना वो छोड़ दिया, और इसकी वजह से वो बैक्टीरिया हमें जो है ना वो पिंक कलर नज़र आएगी, ठीक है। तो ये रिमेंबर कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है वो हमारे पास थिक होती है, और जो है वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल हमारे पास तीन होती है, ठीक है। अब ग्राम स्टेनिंग में हमारे पास कौन कौन से मटेरियल जो है ना वो इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। पहले हमारे पास मटेरियल कल्चर ऑफ स्टेपिलोकोकस आरियस बेसिलाई सब टाइटल, हमारे पास पहले कल्चर यानी बैक्टीरिया के हमारे पास सैंपल होना चाहिए, ठीक है। दूसरी क्या है कि हमारे पास स्टेंड होनी चाहिए, हमारे पास कलर्ड होनी चाहिए, हमारे पास डाइज होनी चाहिए। डाइज की हमारे पास जो है ना मुख्तलिफ अकसाम्स है, इसमें हमारे पास फॉर एग्जांपल क्रिस्टल वायलेट है जिसको हम फर्स्ट स्टेप में इस्तेमाल कर सकते हैं, इसलिए हम उसको प्राइमरी स्टेन कर लेते हैं। पर्पल कलर आयोडीन एंड मोडरेंट्स अल्कोहल डीकोलराइजिंग एजेंट, और अल्कोहल को हम किस तरह, अल्कोहल को हम एज ए डीकोलराइजिंग यानी इसके ज़रिए हमने जो पहला डाई मिक्स किया हो किसी जो है ना वो बैक्टीरियल कल्चर में, इसको जो है ना हम अल्कोहल के ज़रिए से उसको जो है ना वो ख़त्म कर लेते हैं, डिनेचर कर लेते हैं। तो ये सब्सटेंसेस है जिसको हम जो है ना वो स्टेनिंग के लिए या ग्राम स्टेनिंग के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। इसके साथ ये फॉर एग्जांपल सेफ्रनिन है, सेफ्रनिन को ये रिमेंबर दिस वन क्रिस्टल वायलेट, चूंकि ये हम इस्तेमाल कर लेते हैं फर्स्ट स्टेप में, ठीक है, और इसलिए इसको हम प्राइमरी स्टेन कहते हैं, ठीक है। और सेफ्रनिन इसको जो है ना हम इस्तेमाल कर सकते हैं लास्ट यानी फोर्थ स्टेप में, ठीक है, इसलिए हम इसको कहते हैं काउंटर स्टेन, यानी ये काउंटरिंग करता है पहले स्टेन की, ठीक है, और इसकी कलर हमारे पास पिंक कलर होती है। अब फॉर एग्जांपल हम लेते हैं कोकाई बैक्टीरिया जिसकी अरेंजमेंट हमारे पास इरेगुलर क्लास रहे, ठीक है। अगर हम इसके साथ जो है ना वायलेट्स कलर क्रिस्टल वायलेट को जो है ना हम इसको मिक्स कर ले और इसके साथ जो है ना इसकी कलर हमारे पास इस तरह बन जाए, तो इससे हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि चूंकि ये कलर ग्राम पॉजिटिव की है, दैट्स वाई द बैक्टीरिया कोकाई आर एग्जांपल ऑफ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। और इसकी नेम क्या है, कोकाई की नेम क्या है, ये हमारे पास स्टेपिलोकोकाई है। इसी तरह फॉर एग्जांपल हमने बेसिलाई लिया, इसकी अरेंजमेंट हमारे पास चेन है, ठीक है, और इसके साथ हमने जो है ना वो कलर या इसके साथ हमने जो डाई जो है ना वो अटैच कर दिया, जो डाई इसमें हम इस्तेमाल कर दिया हमने, इसके फॉर एग्जांपल कलर हमारे पास वायलेट है, ठीक है। तो ये अगर वायलेट कलर बन जाए, तो हमने सुना है, हमने ये पढ़ा है कि इसकी अगर किसी बैक्टीरिया की शेप्स यानी किसी बैक्टीरिया के अगर हमारे पास कलर वायलेट हो तो हमारे पास ग्राम पॉजिटिव होगी, और अगर ग्राम नेगेटिव हो तो उसकी कलर हमारे पास पिंक कलर की होगी, और इसकी नेम्स और यानी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमने लिया है उसकी नेम क्या है हमारे पास। इसी तरह फॉर एग्जांपल हमने रॉड शेप के बैक्टीरिया लिए, ठीक है, जो हमारे पास सिंगल टाइप के थे, ठीक है, हमने इसके साथ जो है ना वो सेफ्रनिन को मिक्स कर दिया और इसने कलर छोड़ दिया हमारे पास पिंक कलर के। तो हमने पढ़ा है कि पिंक कलर हमारे पास कौन से बैक्टीरिया की, वो हमारे पास ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की। इससे हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमने जो कल्चर लिया था, जो बैक्टीरिया की सैंपल लिया था, वो हमारे पास क्या था, वो हमारे पास ग्राम नेगेटिव का सैंपल था, और ये हमारे पास क्या है, ग्राम नेगेटिव बेसिलाई।